नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंडारे वाले छोले बनाते हैं जो हलवाई लोग बनाते हैं भंडारों में, सेम उसी प्रोसेस से कुछ सीक्रेट के साथ इसको बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होएगी। आप चाहे तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसको पूड़ी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं और बहुत जल्दी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने को 2 से 3 बार पानी से अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको भिजा दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको रात भर भी भिजा सकते हैं, और इस पानी को फेंकना नहीं है, उसी पानी में हम इन चनों को बॉयल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुकर में डाल दिया है इसको, उसी के साथ ही कुछ मसाले डालते हैं। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और उसी के साथ ही 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर का यूज़ किया है। इसमें धनिया का पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप इसमें 2 चम्मच ले लीजिए। ढक्कन लगा के इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 सीटी आने के बाद लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट तक अपने आप से पकने देते हैं। इधर एक कढ़ाई ले लेंगे हम, उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच भर के मैंने जीरा और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का इस तरीके से धनिया ले लिया है। इन सभी चीज़ों को हम गैस पे चढ़ा के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक सेक लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये हमारा सीख गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो ठंडे हो जाएं। और इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा कसूरी मेथी लेंगे और उसको भी अच्छे से सेक लेंगे। गैस को जलाने का ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई गर्म है तो उसमें अच्छे से सिक जाएगी हमारी। तो इधर मसाले भी हमारे ठंडे हो गए हैं। एक खलबट्टे में हम इसको निकाल लेते हैं और दरदरा सा इसको कूट लेते हैं। मसाले सेकने की वजह से ये बहुत जल्दी से कूट के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। ना हमको इसको बहुत महीन करना है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा दरदरा करना है। इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया वैसे करना है। इधर देखिए हमारे छोले भी उबल के तैयार हो गए हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिए हाथ से, अभी बहुत गरम गरम है, आराम से करिए। तो हमारे ये छोले अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। मैंने गैस में वापस से कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें इस छोले को सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप चाहें तो उसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तेल अच्छा से गर्म हो गया है, 1 चम्मच भर के इसमें जीरा डाल देंगे और साथ में ही 1 चुटकी हींग डाल देंगे। हम इसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसालों का यूज़ भी नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ तेज़ पत्तों का यूज़ किया है। मैंने 3 से 4 तेज़ पत्ता इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको सेक लेना है। जब तेज़ पत्ता अच्छा से सीख जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपना ये अदरक कूटा हुआ। मैंने यहाँ पे कूट के डाला है, आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। कद्दूकस करके डाल दीजिए आप इसमें चाहें तो, या बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दीजिए। अदरक को थोड़ा सा सीख जाने के बाद हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने मसाला कूटा हुआ था वो। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच डाला है मसालों को अच्छी तरीके से उसमें तेल में इसको भी सेक लीजिए। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें हलवाई लोगों का सीक्रेट बेसन। बेसन वो लोग ज़रूर से डालते हैं इस तरीके की सब्ज़ी में, ताकि वह सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी बन के तैयार होए। तो मसालों के साथ ही हम इसको भी सेक लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है, इसको भी अच्छे तरीके से सेक लेंगे। मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए मैंने सेम छोले का जो पानी था उसको डाल दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं और मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं और ज़्यादा जले नहीं। हलवाई लोग एक और चीज़ डालते हैं इसमें, उबला हुआ आलू, जो कि दिखता नहीं है। इसको बहुत अच्छे तरीके से वो लोग मैश करके डालता है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है हमें। मैंने सिर्फ 2 आलू को अच्छे तरीके से मैश करके इसमें डाल दिया है। और आलू को ये नहीं है कि डालने के बाद पानी डाल देना है, आलू को डालने के बाद अच्छे तरीके से हमें सेक लेना है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा छोला, आपको
रेगुलर छोलों से ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा, वो भी बिना लहसुन के बिना प्याज के। ये देखिए हमारे आलू में से तेल छोड़ रहा है, तो मतलब हमारा आलू भी सिक गया है और हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से सिक के तैयार हो गए हैं। अब हम अपने छोले डाल देंगे जो हमने उबाल के रखे थे। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मुझे इसमें और पानी नहीं डालना है। अच्छे तरीके से सभी को मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, अब हम ढक्कन लगा के इसको एक उबाल आने देते हैं इसमें। ये देखिए एक इसमें उबाल आ गया है और 3 से 4 मिनट तक इसको उबलते हुए हो गया है। आप देख रहे हैं सब्जी हमारी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। और हम इसमें कुछ और ऐड करते हैं, वो है गरम मसाला। मैंने एक बहुत ही छोटा चम्मच से गरम मसाला ऐड किया है और जो हमने ये कसूरी मेथी को सेक के रखा था उसको डाल दिया। साथ में 1 चम्मच भर के मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास अमचूर का पाउडर नहीं है तो गैस की फ्लेम बंद करने के बाद आप इसमें एक पूरा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छा से मिक्स करने के बाद हम इसको वापस से ढक्कन लगा के थोड़ा 5 मिनट तक और पका लेते हैं। ये देखिए 5 मिनट के बाद सब्जी ने कैसे तेल छोड़ दिया है और ये परफेक्ट सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, जैसे भंडारों वगैरह में मिलती है। तो आप इसको धनिया का पत्ती से, हरी मिर्ची से, अदरक के लच्छों से, जैसे आपको पसंद हो वैसे इसको गार्निश करिए। और ये देखिए परफेक्ट सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है। आप इसके साथ में पूड़ी बना लीजिए। आप देख रहे हैं कितनी फुली फुली पूड़ी बनके तैयार हुई है। इसका सीक्रेट सिर्फ इतना है कि आप जब भी पूड़ी का आटा लगाएं तो उसमें 3 से 4 चम्मच आप सूजी मिला दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमारी पूड़ियाँ हैं जो फूल के तैयार हो रही हैं वो लंबे समय तक इसी तरीके से फूली फूली रहेंगी। चलिए अपनी प्लेट्स लगाते हैं। सबसे पहले छोले निकाल लेंगे। बहुत लोग इस छोलों को सिर्फ नॉर्मली सिर्फ छोले ही खाते हैं, हम इसको पूड़ी के साथ सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी ले लिया, छोले ले लिए और तैयार हो गया हमारा भंडारा वाला छोला और पूड़ी। आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में घर में भी बना सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये छोले रोज़ के छोलों से ज़्यादा पसंद आएंगे। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।